का पाया प्यार। समझ गए भैया? तीनों का पाया प्यार, तुम करना जरा विचार, खोज के लाना मर खुरदार, के कोई गुरु ऐसा कर हो जो चेला गुरु का ही पर हो। तीनों का पाया प्यार, तुम करना जरा विचार, खोज के लाना खुरदार, के कोई गुरु ऐसा कर हो जो चेला गुरु का ही पर हो। और तुलसीदास की कहानी लगी हुई है। तुलसीदास को छोड़ के जाना आगे, तुलसीदास को मत बताना। और चलते चलते वो हिंट दे दिया ये थोड़ा सा। चलते चलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे भाई का आभार व्यक्त करते हुए बुलावा देता हूं मैं भाई दिनेश तोमर जी को। बहुत सुंदर सा प्रोग्राम लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं आपके समक्ष। और नए सहो काऊ को ऐलान, अरे कृपा मेरे ऊपर करी सो मेरे पुरुषोत्तम भगवान। आदरणीय दादाजी कह रहे थे पोस्टमार्टम कर दिया, बिल्कुल गलत। ना ना ना, उनके गीत को देखो, मेरे गीत को देखो। जय हो जय हो। ये गीत आज से 15 वर्ष पहले जब हमारे लाला जिंदे थे, आप जानते होंगे, जय हो, तब का लिखा हुआ है। हाँ। किसी का यूट्यूब पे पड़ गया, इसका मतलब ये तो नहीं किसी ने पोस्टमार्टम कर दिया हो। जय हो जय हो। कम से कम आज से 10 वर्ष पहले से रसियों में गाया जा रहा है ये गीत। मेरे को परम आदरणीय गुरु रामवीर जी गाते हैं। जय हो। कई बार सुना भी होगा शायद। हाँ। और सुनिए, यूट्यूब पर रामवीर जी के मुखारविंद से कई बार गाया गया इस गीत को। जय हो। और जवाब तो बहुत सुंदर दिया है आपने। हाँ। जितनी तारीफ की जाए उतनी। ओ, पूरे मंडल की। पगला गाड़ी झुमके कंगना, सब दे देना अरे उसको सजना। तुमने संजय चाचा से पूछा नहीं कि दिनेश तोमर से जवाब ही लें या न लें? अरे आग लगे उसके जो बने को, दिल मत देना मेरी सौतन को, दिल मत देना मेरी सौतन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। आप कह रहे थे जिंदगी एक अभिलाषा है, बदल गई तो जिंदगी बनना एक तमाशा है। कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। अरे जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। और कह रहा है तमाशा बन के रह जाएगी, तमाशा बन के नहीं रहेगी। ना ना ना, अरे कोशिश तो करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। आप कह रहे थे सब कह दें साला, क्या साला बची है भाई? ओ, लेकिन तुम कुछ नहीं लगा पाए दादा। दादा अब आपने हमें छेड़ा, ये तो 4 लाइन सुन लो केवल, पूरी रात के लिए काफी है 4 लाइन। उम्र कैद से तो फांसी अच्छी,
उम्र कैद से तो फांसी अच्छी और लाहौर से तो हमारी झांसी अच्छी। बुरा मत मानना राजू दादा, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे गाने से तो हमारे बाबा की खांसी अच्छी। आप कह रहे थे बेड पे परो तो आराम साला, मतलब बेड पे ही आराम साला है ना, चारपाई पर नहीं है ना बेटा ना। अभी आराम साला कौन सी होती है? अब ये बताओ दादा, रिटायरमेंट कब ले रहे हो तुम? तख्त पे तो बिल्कुल है ही नहीं। जवाबी कीर्तन तुम्हारे बस का रहा नहीं, या फिर इस मंडल को चेंज करो, कुछ तो बदलना पड़ेगा, ये गारंटी है। आपको बदलाव की जरूरत है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर नर्सरी की तरफ जाते तब निकलती एक पौधशाला। देखो सौदा सारी बिक गई, बस पेट बाकी रह गई। दादा दादाजी प्लीज लुक मी, ओनली वन टाइम। सौदा सारी बिक गई, अब दादा तुम्हारी जो सौदा थी वो सब बिक गई, अब तो केवल रिटायरमेंट लो तुम। अपना सटर नीचे डाल। सौदा सारी बिक गई, बस पेट बाकी रह गई, और रस्सी पूरी जल गई, बस ऐंठ बाकी रह गई। अरे कछु तो अच्छे कछु खोटे खोटे, बड़ी बड़ी बहुएं दूल्हा छोटे छोटे। मैंने कहा था बड़ी बड़ी बहुएं दूल्हा छोटे छोटे। आप कह रहे थे वृंदा और विष्णु। वृंदा और विष्णु दोनों पति पत्नी थे क्या? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मेरी बात पति पत्नी की चल रही है। वृंदा और विष्णु पति पत्नी थे? ना 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 दादाजी, सुबह शाम के पतंजलि की टेबलेट खाओ। वृंदा पत्नी थी जालंधर की, तो फिर बड़ी बड़ी बहू दूल्हा छोटे छोटे कहां से हो गए? जवाबी हो किससे रहा ये? ठीक है, जो भी लिख रहे हैं आप अच्छी बात है, चलो कोशिश करो। हाँ ट्राई अगेन। बिल्कुल गीत बहुत सुंदर गाया आपने। हाँ कौन सा? और जवाबी कीर्तन का यही नियम होता है, पहले कटपीस का जवाब दिया जाता है। श्रृंगार तेरा यहोवा, अरे श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। अरे क्या सादगी फूलों की, क्या सादगी का रहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार भैया, ना चांद पर एक बार, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो। तुम ही तो मेरी प्रियवर हो। आप कह रहे थे तीनों का पाया प्यार, तुम करना जरा विचार, खोज के लाना बरखुबदार, चेला गुर का ही बर हो। चेला गुर का ही बर हो, गुर का ही बर हो। कहते तुलसीदास को मत कहना। हाँ ना, तुलसीदास को नहीं कहेंगे ना ना ना, हम लोग बाईपास से होकर निकल जाएंगे। अब सुनिएगा आखिरकार कौन ऐसा हुआ। ये कार्यक्रम हो किससे रहा है? प्रश्नों का बताया सार, चेला गए गुरु से हार, बने कालिदास भरतार। सुनिए जवाब, इसको कहते हैं 100% जवाब। कोशिश है बस मेरी ओर से। हाँ माकूल कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। प्रश्नों का बताया सार, चेला गए गुरु से हार, क्योंकि कालिदास
कि पत्नी ने जब धक्का दे दिया ऊपर से कालिदास, नीचे गिर गए, माँ काली के दर्शन हो गए। तब से कालिदास प्रकांड विद्वान बन गए संस्कृत। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। पहले कालिदास के पास बुद्धि का विकास नहीं था। ना ना ना, क्योंकि जिस पेड़ पर बैठते हैं उस पेड़ की डाली को काटते हैं, ऐसे थे कालिदास। सुनेगा, सुनिए जवाब। प्रश्नों का बताया सार, चेला गए गुरु से हार, बने कालिदास भरतार, बन गए देखो प्रिय वरु, बन गए देखो प्रिय वरु। दादा, पुलिस वालों का कलेजा निकल के बॉक्स में लगेगा इसको। तब जाके प्रियवर बने। प्रश्नों का बताया सार, चेला गए गुरु से हार, बने कालिदास भरतार। आराम आराम से, तुम जल्दबाजी बहुत करते हो। बेटा पाकिस्तान बौखला रहा है। बहुत जल्दबाजी करते हैं। कम से कम कुछ समझ में आना चाहिए ऑडियंस जितने बैठे हैं यहाँ पर। क्या करें बेटा, पीछे वाले परेशान कर रहे हैं ज्यादा। जवाब लिया क्यों?